दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक। गाइस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आई हूं, जिसका नाम है माइकोजेल, जो कि मिकोनाजोल नाइट्रेट क्रीम IP2% वेट बाय वैल्यूम है। जी हाँ दोस्तों, ये जो माइकोजेल क्रीम है ये एक एंटी फंगल क्रीम है, एंटी फंगल मेडिसिन है, जिसमें आपका मिकोनाजोल नाइट्रेट 2% वेट बाय वेट मिला हुआ और इसमें क्लोरोक्रिसरॉल IP इसमें 0.1% वेट बाय वेट मिला हुआ है। साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है, जिसका काम होता है जो फंगल इन्फेक्शन आपकी स्किन पे हो जाता है उसको ठीक करने के लिए जो दवा इस्तेमाल होती है उसको एंटी फंगल मेडिसिन बोलते हैं। और ये माइकोजेल क्रीम भी एक एंटी फंगल क्रीम है। इसका काम होता है कि ये फंगस को किल करती है, जिसकी वजह से आपको जो बॉडी में इन्फेक्शन फैलता है, कि चाहे वो एथलीट फूट का हो या चांगों के बीच खुजली हो, रिंग वॉर्म यानी दांत हो गया हो, स्किन ड्राई हो गई हो, स्किन में रेडनेस हो गई हो, स्किन की चमड़ी निकल रही हो, या किसी भी टाइप का जो इन्फेक्शन आपके फंगस की वजह से होता है, ये उस फंगस को किल करके इन्फेक्शन को ठीक करती है। दोस्तों ये जो क्रीम है इसको आपका कब और कैसे लगाना है ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बीमारी है या आपको स्किन का किस टाइप का इन्फेक्शन है, तो आपका डॉक्टर बताएगा कि आपको इसको दिन में कितनी बार और किस तरह लगाना है। दोस्तों इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह से करें और इसको रेगुलर अच्छे से यूज़ करने पे आपको जल्द से जल्द इसका बेहतर और अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें, जितना आपका डॉक्टर ने बताया है उससे ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को, सीरियस देखने को मिल सकते हैं। कोई भी स्किन इन्फेक्शन जो होता है वो जनरली 2 से 6 हफ्ता लगता है ठीक होने में, तो आपका डॉक्टर जैसा बताए आपको उसको उतने टाइम तक इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन 2 से 6 हफ्तों के बीच में ठीक नहीं होती है तो इसके बारे में तुरंत अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। ये मेडिसिन आपको आपकी स्किन के अफेक्टेड एरिया को ठीक करेगी, लेकिन आपको इस दवा के इस्तेमाल के साथ साथ अपने जो स्किन का जो अफेक्टेड एरिया है उसको साफ़ रखना है, सूखा रखना है अपने हाथों को क्रीम लगाने से पहले और क्रीम लगाने के बाद, दोनों टाइम इसको अच्छे से धोना है। और अगर आपको पैरों में इन्फेक्शन हो या अंगूठे के उंगलियों के बीच इन्फेक्शन हो तो अपने मोज़ों को अच्छे से साफ़ रखना है और टाइट कपड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। सभी दवाइयों की तरह इसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि जहाँ पे आप ये क्रीम अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको बर्निंग सेंसेशन यानी जलन महसूस हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, खुजली हो सकती है और वो जगह लाल हो सकती है। तो घबराएं नहीं, ये ज़्यादा टाइम के लिए होता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आप घबराएँ बिल्कुल भी नहीं, और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताएँ। ये दवा आपके स्किन पे ड्राइनेस भी बढ़ा सकती है, वहाँ पे आपकी स्किन निकल भी सकती है, वहाँ पे छाले भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें 1-2 दिन में होकर ठीक हो जाती है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान करें तो अपने डॉक्टर को बताना ना भूलें। दोस्तों इमरजेंसी ज़रूरत तब पड़ती है डॉक्टर की जब ये आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो या आपको बेहोशी लगे, मतली लगे, तो इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। ये दवा जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये एक एंटी फंगल क्रीम है, जिसका काम होता है स्किन इन्फेक्शन को ठीक करता है, ये फंजाई को मार के स्किन पे उसके सेल मेम्ब्रेन को ख़त्म कर देती है, जिससे कि आपका इन्फेक्शन आपको ठीक होता हुआ, अच्छा होता हुआ नज़र आता है। ये जो क्रीम है दोस्तों, ये 15 ग्राम का ट्यूब है, जिसकी MRP 24 रुपये, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी MRP 24 रुपये है और ये सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट है। याद रहे दोस्तों कुछ बातें आपको ध्यान देना है कि जब भी इस क्रीम का इस्तेमाल करें, आपको अपने अफेक्टेड पार्ट को जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है उसको सुथरा रखना है, अपने हाथों को अच्छे से साफ करके क्रीम अप्लाई करना है, टाइट कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, अगर कोई प्राइवेट पार्ट पे आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो अंडर गारमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे कि आपका जो इन्फेक्शन है वो जल्द से जल्द आपको ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो इस माइकोजेल क्रीम पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। इससे रिलेटेड कुछ सवाल करना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय सजेशन ज़रूर लिखें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं जल्दी फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।